अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड आई मतलब गलोरी एंड टुडे माय टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑल लेवल फ्लेवर्स 4024D राइट। अब अगर ये दो प्राइसेस हमारे पास है, लेट्स सपोज वी परचेज एन आर्टिकल, बल्कि मैं इसको परचेज़ करने की बात लेता हूँ, ₹500 में परचेज करता हूँ राइट, और मैं इसको सेल आउट करता हूँ ₹600 में। सो इन दिस केस आई एम गेटिंग 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दिस अमाउंट, मुझे इसको 100 रुपये का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, दैट इज माई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, और एक काम और कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस नंबर वन एंड देन नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इज ₹400। यानी एक दिन कारोबार बड़ा अच्छा चला तो 500 वाले की 600 की बिक गई, और एक दिन कारोबार मंदा था, दैट मीन्स कि द प्राइस इज 400, लॉस में चला गया। तो अब ज़रा दोनों की बात कर लेते हैं, केस नंबर वन, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों की प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 600 माइनस 500 इज इक्वल टू रुपीज 100, प्रॉफिट जनरेट कर लिया, ठीक है भाई। नाउ वेरी नेक्स्ट डे वी हैव दीज टू वैल्यूज, इसमें क्या हो रहा है, लॉस, डेट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज 500 माइनस 400, एंड लॉस कितना हुआ भाई, 100 रुपीज का। तो ये जो दोनों केसेस हैं इनको समझने की जरूरत है कि इसमें हमें कहाँ प्रॉफिट और कहाँ लॉस हो रहा है। केस नंबर वन में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, केस नंबर टू में आपको 100 रुपीज का लॉस हुआ। आपने किया क्या कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी प्रॉफिट के लिए, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दी लॉस के लिए, दो चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलता है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस और ऑन सेलिंग प्राइस, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे होते हैं। ये तो आ गया, हाउ डू वी फाइंड प्रॉफिट और द लॉस ऑन एन आर्टिकल इफ यू परचेज दिस आर्टिकल इन इतना अमाउंट एंड देन वी सेल आउट इट ऑन इतना अमाउंट। तो वो जो दो चीज़ें हो रही हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट के लिए तुम्हें करना पड़ेगा ये कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट, एक बात हो गई। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, दो बातें हो गई, ए एंड बी। यूजुअली लिखा हुआ था फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, और जब नहीं लिखा हुआ था तो वो दे देते हैं जनाब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के फार्मूलाज भी अलग हैं, ये डिफ्रेंसिएशन बच्चे नहीं समझ पाते, गलत कर आ जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस मींस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, ना अब कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, अब कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो ये दो अलग बातें आ गई। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात, प्रॉफिट तो हम 100 का है, तो 100 ओवर कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इस कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। तो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। नाउ नेक्स्ट, 100 ओवर कितना भाई सेलिंग प्राइस 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा भाई, 6 1 6 और 4 बचेगा, 6 6 36, 6 1 कितना आ जाएगा, 6 1 6 एंड 6 6 36, अराउंड 16%। तो ये जो डिफरेंस है इसको तुम भी समझ लो बेटा अच्छी तरह से, कि प्रॉफिट, आप इसको देख लो अच्छी तरह, पहले इसको देखो कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस,
बोथ आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस मीन्स प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस मीन्स के प्रॉफिट और लॉस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैंने ज़रा जल्दी से गंदा गंदा से लिख दिया लेकिन बात तो काफ़ी क्लियर हो रही होगी। तो ये दो फार्मूलाज थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन देर आर फोर एस्पेक्ट ऑफ दिस फार्मूला, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड 100। तो इनमें से तीन जो चीज़ें हैं जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, इनमें से कोई दो तो मैं बताऊंगी, 100 तो कॉन्स्टेंट है, किसी एक को फाइंड आउट करना होगा, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट इट बाय दिस फार्मूलाज। ठीक है, ये तो एक बात हो गई जिस पर तुम्हें बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बड़े काम को बता रहा हूँ, उसको तो समझ लेना। ये मैं जो अब लिखने जा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस यूजुअली वी कंसीडर 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही आपको लॉस होता है। नाउ सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारे पास आ रही है उस पर तुमने लिखना 100 ही है, लेकिन अब तुम्हें कितना परसेंट लॉस हो रहा है, कितना परसेंट गेन कर रहे हो तुम, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम लगाओगे उस प्रॉफिट की परसेंटेज को यहाँ पर लिखोगे, दैट इज फॉर प्रॉफिट। एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, तो 5% प्रॉफिट हुआ, 5% दिया 105% पे कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपीज, 100 फॉर्मूले का आ गया, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 20%, तो इट मीन्स 100 प्लस 20, नाउ यू विल मेक सेलिंग प्राइस एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 120 ओवर 100, ये दोनों जीरो इससे कट गए, और ये जनाब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 240। तो ₹240 इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ तुम्हें यहाँ तक, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान सी बात थी। आओ ज़रा एक बात और तो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद बात को मुकम्मल करते हैं। और वो ये है कि कॉस्ट प्राइस ओवर 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस एक्स। माइनस एक्स मीन्स, माइनस एक्स का मतलब बताओगे, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब है कि तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर लॉस, एंड ओवर हियर एक्स इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। ठीक है जी, आर्टिकल था 100 का, सॉरी 200 का आर्टिकल था कॉस्ट प्राइस में, और जनाब वो आर्टिकल जो था वो सेलिंग प्राइस आपकी जो थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि उस पर 20% लॉस हो गया। तो 20% लॉस मीन्स 100 माइनस 20, ओके, दैट मीन्स 002 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा से, इसको पता ही चला कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो जनाब बिल्कुल सही कहा तुमने, ₹160 है, पता चला लॉस में गया है, क्योंकि 200 का था 160 का भेज दिया, 20% लॉस हो गया। इतनी सी बात के बाद तुम्हारा ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, इसमें तकरीबन तकरीबन वो सारी बातें आ गई जो अभी तुम एक्सरसाइज में करने जा रहे हो। ठीक है, तो इससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ तक बात कोई क्लियर है तुम्हें, कुछ पूछना है, आसान आसान सी बातें थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी सी बातें की हैं इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं तो डेफिनेटली यू कैन इंक्वायर ऑफ अस एंड इंशाल्लाह विल बी रिप्लाई यू, विल बी रिप्लाइंग यू वेरी सून इफ़ रिसीव एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर एंड। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।